खूबसूरती में उड़ीसा के इस तटीय इलाके का जवाब नहीं, डूबते सूरज की लालिमा तो इस खूबसूरती में और चार चांद लगा देती है। ऐसा लगता है मानो सारा माहौल ही रंगीन हो चला है, और माहौल की इस रंगीनियत में आराम फरमाती नजर आती है दूर समुद्र के थपेड़ों को झेलकर लौटी नावें और आते जाते मछुआरे। लेकिन उड़ीसा के इस सुंदर तटीय नजारे का एक बदरंग पहलू भी है, वो ये कि सूरज भले ही यहाँ शाम को डूब रहा है, रात अभी घिरने वाली है, पर यहाँ के मछुआरों के लिए तो दिन में भी अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि इन्हें चारों तरफ से घेर रखा है घोर गरीबी, शोषण और निरक्षरता ने। समुद्र की अनगिनत मुश्किलों को झेलते हुए, उसकी लहरों पर चढ़ते उतरते, कई कई दिनों तक घर से दूर समुद्र में ही अपना डेरा डालकर मछली पकड़ने में तो ये मछुआरे कामयाब हो जाते हैं, पर अपनी जिंदगी में छाए पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने में सफल नहीं हो पाए हैं। रोजमर्रे की इस कसरत से ही जुड़ी है इनकी जिंदगी की खुशियां और गम। सूरज उगते ही मछुआरे अपनी नावों और जालों के साथ चल पड़ते हैं दूर क्षितिज की तरफ, जहां समंदर और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। गहरे समुद्र में कई कई दिनों तक कठिन परिश्रम के बाद जब वे ढेर सारी मछलियां मारकर लौटते हैं तो इलाके में रौनक आ जाती है। फटाफट अपनी मछलियों को बेच ये मछुआरे अपनी थकान मिटाने के लिए जाते हैं दारू के अड्डों पर। इसके अलावा एक और बात है इन मछुआरों की, मछलियां तो वे मारकर पकड़ लाते हैं क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी का जरिया है, पर इन्हें ये अफसोस हरदम रहता है कि इन्होंने निरीह मछलियों को मारा, इसलिए वे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करते नजर आते हैं कि गंगा मैया उन्हें इस महापाप के लिए क्षमा करे। इसके साथ वे खुद कभी मछली नहीं खाते बल्कि केकड़े खाकर ही खुश रहते हैं। और जब मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में नहीं जाते तो वे व्यस्त रहते हैं अपनी नावों की मरम्मत करने में, जाल बुनने में, उन्हें ठीक करने में। फुर्सत या आराम दोनों ही इनकी जिंदगी से कोसों दूर है। इनकी जिंदगी का ताना बाना तो यहीं तक उलझा हुआ है, अनपढ़ता की वजह से ये इसके आगे सोच ही नहीं पाते। जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अगुवाई में पूरे देश में साक्षरता अभियान का बिगुल बजा तो जाहिर है इस तटीय इलाके को भी साक्षर बनाने की बात उठी। अपने गांव वालों को साक्षर बनाने की उम्मीदों के साथ आगे आया स्वयं सेवक नारायण। बड़े जोश से उसने साक्षरता केंद्र खोलने की योजना बनाई, पर लाख चाहने के बावजूद वो अपना केंद्र शुरू नहीं कर पाया। जिस किसी भी मछुआरे के पास जाता वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। शंभू का कहना था कि उसे नाव पर जाना है, तो मोहन का जवाब था कि उसके पास पढ़ने के लिए फालतू वक्त नहीं है। इन सब बातों से नारायण काफी हतोत्साहित हुआ। क्यों भाई नारायण, तुम थोड़ा उदास से लगते हो, क्या बात है? तुम्हारा केंद्र ठीक से चल रही है? कहाँ ठीक चल रहा है, अभी तो ढंग से शुरू नहीं हुआ। कोई मछुआरा पढ़ने के तैयार नहीं, बोलते हैं हम पढ़ेंगे तो मछली कौन मारेगा। देखो नारायण, मछुआरा जो बोलते हैं सही बोलते हैं, वो लोग मछली पकड़ना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका ऊपर उनका परिवार, उनका रोजी रोटी निर्भर करता है। तूने कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरा ख्याल से मछुआरा का खाली समय पर केंद्र चलाने के उपयोग क्यों नहीं करते? और हाँ, कोई दूसरी जगह पे नहीं, समुद्र किनारे पे उनका नाव पर केंद्र लगाओ, फिर देखो मछुआरा कैसे तुम्हारा केंद्र पे नहीं आते। श्रीदेव की बातें सुनकर नारायण को ऐसा लगा कि वो फिजूल ही परेशान हो रहा था। उसने समंदर के किनारे नाव पर ही अपना साक्षरता केंद्र खोला।
हालांकि शुरू में कम मछुआरे पढ़ने के लिए आए, पर बाद में देखा देखी कई और मछुआरे भी अक्षरों को जानने के लिए नारायण के केंद्र पर आ पहुंचे। चूंकि केंद्र उनके फुर्सत के समय में चल रहा था और उनके कामकाज की जगह के नजदीक ही था, सो शुरू में उत्सुकतावश ही सही, पर लोग आने लगे और नारायण का केंद्र चल निकला। नारायण भी बड़े मजे से मछुआरों को किताबें में लिखी अच्छी बातें बताने लगा। उसने उन्हें समझाया कि अनपढ़ होने के कारण किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और अगर वे लिखना पढ़ना सीख जाएंगे तो न केवल कई परेशानियों से उभरेंगे बल्कि उनका आने वाला कल भी सुनहरा होगा। रोजाना समंदर का सीना चीर कर मछली को पकड़ने वाले मछुआरों के सामने सबसे बड़ी परेशानी थी कि उन्हें उचित मेहनताना नहीं मिल पाता था। जान पर खेलकर मछली ये पकड़ते थे, पर मुनाफा कमाता था ठेकेदार, और तो और नुकसान होने पर भी भरपाई मछुआरों को ही करनी पड़ती थी। कहीं से कोई मुआवजा नहीं मिलता था। किनारे पर ही डेरा जमाए ठेकेदार और उसके आदमी अक्सर नाव के किनारे लगते ही थके हारे मछुआरों को बहुत कम पैसे देकर उनकी सारी मछलियां ले लेते थे। कोई और चारा न होने के कारण मछुआरे मन मसोस कर बस देखते ही रह जाते थे। इस बात की जानकारी जब यहाँ के स्वयं सेवक नूर को हुई तो वो काफी विचलित हो चला। उसका मन भी मछुआरों को पढ़ाने से उचटने लगा। देखो तो आप मन इतने कष्ट करके समुद्र में मछली धर चुनती, किंतु आपन किसी लाभ हो नहीं, सब सब खेती सो चुनती। क्या बात है भाई नूर, लगता है तुम्हारा मन कहीं और है और तुम यहाँ जबरदस्ती पाठ पढ़ा रहे हो। सच पूछिए तो बात कुछ ऐसा ही है। मुझे इस बात की परेशानी है कि सारे मछेरे अपनी जान पर खेलकर समंदर से मछली पकड़ कर लाते हैं, मगर अफसोस इन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है? बस इतनी सी बात है, ऐसे ही तुम्हारा सोचना बहुत वाजिब है। मछुआरे समुद्र का सीना चीर कर मछली पकड़ते हैं, उनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। इसका एकमात्र वजह है मध्यस्थ का होना। ये मध्यस्थ लोग थोड़ा बहुत पैसा देकर वो मछुआरे के सारी मछली टोकरे लेके बाजार में ऊंचे भाव से बेच देते हैं। अगर तुम उनका भलाई चाहते हो, उनका मछली का सही दाम दिलवाना चाहते हो, तो उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ये तो तभी संभव होता है अगर मछुआरे सारे पढ़े लिखे सीखेंगे और तभी उनका हिसाब किताब सही ढंग से कर सकेंगे। क्यों? एक बार नूर के दिमाग में ये बात बैठ गई कि बिना शोषण से मुक्ति दिलवाए उसके इन भोले भाले विद्यार्थियों का कोई भविष्य नहीं, तो उसने ठान ली कि वो इन्हें बिचौलियों द्वारा शोषण के खिलाफ आगाह करेगा। पहले उसने एक एक करके सारे मछुआरों को ये बताया कि कैसे उनकी मेहनत से कमाए रुपयों पर ठेकेदार मजा लूटता है और कैसे वो चंद रुपए देकर उन्हें चुप करा देता है। चूंकि बात मछुआरों के मतलब की थी, इसीलिए उन्हें ये बात अपने काफी फायदे की लगी। मछुआरों को हिसाब किताब समझाने के लिए उसने मछलियों का भी सहारा लिया। एक एक मछली की गिनती कर उसने मछुआरों को काम चलाओ जोड़ने घटाने का गणित सिखाया। इतना ही नहीं, उसने सारे मछुआरों के साथ मीटिंग भी की, साथ में अधिकारियों को भी लिया ताकि मछुआरों का विश्वास जीत सके। उसने मछुआरों को बताया कि कैसे ठेकेदार उन्हें बेवकूफ बनाता है और यदि वे इन सब चीजों से छुटकारा चाहते हैं तो उन्हें पढ़ना लिखना सीखना होगा। फिर क्या था, बाकी मछुआरों ने भी नूर के केंद्र पर पढ़ना शुरू कर दिया।
स्लेट और किताब की मदद से वे जानने लगे हिसाब किताब की दुनिया। धीरे धीरे समझने लगे ठेकेदार की चालाकी और तय किया कि आगे से ठेकेदार के कहने में नहीं आएंगे। छोटे स्तर पर ही सही, नफा हो या नुकसान, लेकिन वे अब बाजार में जाकर खुद ही मछली बेचेंगे। ये तो हुआ एक तरह का शोषण। कई दूसरे इलाकों में दूसरी तरह का जो शोषण है वो है कर्ज को लेकर। भोले भाले मछुआरों का कर्ज के दलदल में फंसे होना कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। किसी जमाने में मछुआरों के पूर्वजों ने नाव वालों से कर्ज लिया था, और हालात देखिए, आज भी मछुआरे सैकड़ों बार सूद देने के बावजूद कर्ज से मुक्ति नहीं पा सके हैं, और इस कारण परिवार के परिवार तबाह हो गए हैं। यहाँ के स्वयंसेवक मंगल का केंद्र तो वैसे ठीक ही चल रहा था। मछुआरे पढ़ने के लिए तो रोजाना केंद्र पर आते थे, मगर अपने शोषित हाल के कारण हर दम उदास रहते थे। इस बात से मंगल भी काफी चिंतित रहता था। देखो मंगल, कैसे तुम्हारे मेहनत धीरे धीरे रंग ला रहे हैं। गांव के लोग अब पढ़ने के लिए रुचि ले रहे हैं, पर कुछ उदास से देखते हैं, क्या बात है? ये सब तो ठीक है, पर ये बेचारे मछुआरे कर्ज पर डूबे हुए हैं और चाहकर भी कर्ज के दल से निकल नहीं पा रहे। मंगल, यहाँ तुम्हारा और भी कुछ जिम्मेदारी बनते हैं। इन्हें दादन यानी कि कर्ज से मुक्ति दिलवाओ। साक्षरता अभियान का मतलब ये नहीं है सिर्फ पढ़ाना लिखाना, और भी कुछ आगे हैं। उनको समझाओ, अगर जरूरत हो तो उन लोग बैंक से कर्ज ले सकते हैं, वो भी थोड़ी सी ब्याज पर। इन्हें मदद करने वाले सरकार की बहुत सारी योजना है। जब इतने सारी मदद करने के लिए संस्थाओं चाहते हैं, फिर भला ये दादन का क्या जरूरत है? तो तुम इस योजनाओं के बारे में हर मछुआरे के पास जानकारी दिलाओ। तो अभी तो उनका चेहरा पे खोई हुई रौनक वापस आएंगे, जरूर वापस लौटेंगे। क्यों भाई मंगल? मंगल ने मन ही मन इस चुनौती को स्वीकारा कि अपने लोगों को शोषण से मुक्ति दिलानी है, और वो निकल पड़ा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, यानी कि मछुआरों को दादन से छुटकारा दिलवाने। पहले पहल जब उसने मछुआरों से खुलने की कोशिश की तो कई सारी दिक्कतें आईं, पर बाद में मछुआरे उसकी बात सुनने लगे। एक एक करके उसने सारे मछुआरों को अपने केंद्र पर इकट्ठा किया और मछुआरों की एक समिति बनवाई। समिति जरूरतमंद मछुआरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने लगी। बैठक में उन्हें ये जानकारी भी मिलनी शुरू हुई कि बैंक और दूसरे सहकारी संस्थाओं से कैसे वे कर्ज ले सकते हैं। और तो और, आगे बढ़कर मंगल ने गणेश और शिव का बैंक में भी खाता खुलवा दिया। अब जब भी मंगल और शिव को पैसे की जरूरत होती है तो वे दादन की बजाय बैंक से ही पैसे लेते हैं और बाद में चुकता भी कर देते हैं। यही कारण है कि आज मंगल के साक्षरता केंद्र पर चहल पहल दिखाई देती है, क्योंकि अब मंगल के केंद्र के ज्यादातर मछुआरे दादन की गिरफ्त से मुक्त हो चले हैं। चलिए, मंगल के प्रयासों से तो कुछ एक मछुआरों को जीने की एक नई राह मिली, और सदियों से चली आ रही दादन प्रथा से उन्हें छुटकारा मिला। पर इतने से ही मछुआरों की समस्याओं का अंत नहीं होता। हर वक्त कोई न कोई परेशानी उन्हें घेरे रहती। जो मछली बाजार में बिक नहीं पाती है, उसे मछुआरे धूप में सुखाते हैं। खुले हाथ से कीड़ा लगी मछलियों को उलटते पलटते हैं, गंदगी में ही मछलियों को काटते हैं, और यहाँ तो पीने का पानी भी साफ नहीं है। बस्ती में इतनी तेज दुर्गंध है कि उस तरफ होकर गुजरना काफी मुश्किल है। इस वजह से कई लोग हैजा,
डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और सही वक्त पर सही इलाज न होने के कारण असमय वे मौत के शिकार हो जाते हैं। इन कारणों को लेकर साक्षरता अभियान का स्वयंसेवक अमूल्य हमेशा काफी सोच में डूबा रहता था कि आखिर क्या वजह है कि हर घर में कोई न कोई बीमार रहता है। क्यों भाई अमल, तुम थोड़ा सा निराश से लगते हो, कुछ खो गया है क्या? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है हमारा बस्ती पर किसी देवी देवता का साया पड़ गया। जहाँ देखो वहाँ भी कोई भी बीमारी नजर आता है। देखो पहले ये बात है कि तुम्हारे बस्ती पर कई देवी देवता का बुरी नजर हो, ये बात भूल जाओ। ऐसे ही ज्ञान विज्ञान का जमाना है और तुम वही पुरानी आदिम युग का बात करते हो। जानते हो तुम्हारा बस्ती पर क्यों बीमारियां फैल रहती है? चारों तरफ गंदगी है, लोग पीने का पानी साफ साफ नहीं पीते, दारू पीते हैं, कीड़े लगे मछली खाते हैं। और भला तुम्हारा गांव पे नहीं और कोई दूसरी जगह पे बीमारियां लगे? मेरे कहना मानो, सरकारी अस्पताल जाकर डॉक्टर साहब को बुला के लाओ और लोगों का अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागृति जगाओ, फिर देखो बीमारियां कैसे तुम्हारे गांव पे लगे। श्रीदेव की बातों का काफी गहरा असर पड़ा अमूल्य पर। बिना देर किए वो जा पहुंचा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के पास। उन्हें बताई अपनी बस्ती के मछुआरों की दिक्कतें। ये सब सुनकर डॉक्टर साहब बस्ती में चलने के लिए फट तैयार हो गए और अमूल्य डॉक्टर साहब को सीधे समुद्र किनारे लेकर चला आया। इसका बहुत फायदा हुआ मछुआरों को। डॉक्टर साहब ने मछुआरों को गंदगी से जुड़े खतरों से अवगत करवाया। उन्हें बड़े धैर्य और प्यार से समझाया कि वहाँ की आम बीमारियां जैसे कि मलेरिया और डायरिया होने पर वे लोग कौन से एहतियाती कदम उठाएं। उन्होंने इस बात को जोर देकर समझाया कि नाव पर पीने का साफ पानी रखना चाहिए। मछुआरों ने भी एक एक करके अपनी बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब को बताया। वैसे डॉक्टर साहब ने मछुआरों को कुछ जरूरी दवाएं तो मुफ्त में ही दे दी, पर उनकी दिलचस्पी देखकर उनसे वादा करवाया कि वे पढ़ने के लिए साक्षरता केंद्र पर जरूर आएंगे। इसके बाद अमूल्य का साक्षरता केंद्र धड़ल्ले से चल निकला। शाम को जब मछुआरे किनारे लौटते तब वो उन्हें लेकर क्लास शुरू करता। इसके अलावा मछुआरों की साफ सफाई पर उसने खासा जोर दिया ताकि फिर भविष्य में किसी जानलेवा बीमारियों का हमला न हो सके उन पर। अपनी बात को मनवाने के लिए वो मछुआरों को किताब में छपे चित्र भी दिखाता और उनकी हौसले अफसाई के लिए गीत भी गवाता। अमूल्य ने तो एक हद तक मछुआरों को बीमारियों के चंगुल से आजाद करवाया, पर ऐसे पिछड़े गरीब इलाकों की महिलाएं जो आज भी अंधविश्वास की परंपराओं में जकड़ी हुई हैं, उन्हें पढ़ाने का काम कौन हाथ में ले? शिक्षा नाम की चीज से कोसों दूर इन महिलाओं की जिंदगी घर की झोपड़ी से शुरू होकर समुद्र किनारे तक खत्म हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये महिलाएं पति का तब तक इंतजार करती रहती हैं जब तक वे समुद्र से लौट नहीं आते। वैसे समंदर में मछली न मिल पाने की भड़ास भी लौटकर मछुआरे महिलाओं पर ही उतारते हैं, पर लगता है गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं को इस बात का एहसास हुआ है। तभी तो गांव में लगी साक्षरता प्रशिक्षण शिविर में रेणुका भी आई है, शायद वो भी स्वयं सेविका बन गई है। क्या बात है रेणुका दीदी, बहुत खुश लगते हो। बात तो खुशी वाली हो कि मैं स्वयं साक्षरता अभियान में सेविका बन गई हूँ, पर समस्या हो कि उन महिला को कैसे समझाऊं जो दिन रात चूल्हा भर चूल्हा चौकी में फंस रहते हैं। मेरा ख्याल से बड़ी बात नहीं है, लगता है तुम प्रशिक्षण में ध्यान में नहीं सुना।
तुम इस गांव का महिला हो, थोड़ी सी कोशिश करो, सफलता जरूर मिल जाएगा। उन लोग को आगे बढ़ने के लिए तूने रास्ता दिखाना पड़ेगा। पहले उनका घर पर जाओ, उनका समस्या समझो, और समस्या सुलझाने के लिए पठन लिखन का क्या जरूरत है उनको बताओ। फिर देखो वो लोग तुम्हारा केंद्र पे पढ़ने के लिए नहीं आते या आते। रूढ़ीवाद में जकड़ी महिलाओं को अक्षर ज्ञान देने का संकल्प लेकर रेणुका चल पड़ी और महिलाओं को मनाने। उसने उनकी समस्याओं, जिनमें घरेलू बातें शामिल थी, ऐसी बातें करके उनका मन और विश्वास जीता। तब कहीं जाकर महिलाएं उसके केंद्र पर आने लगी। बोनी बाए उठा, 1 2 3 4 5 हटो हटा फणो फणो नाउरिया सप मुसिणा सफा आसन गहन बन। पर इधर क्या बात है कि रामू का केंद्र बड़ी शांति से चल रहा है, लगता है कुछ हो गया है। क्या बात है भाई रामू, सारे लोग इतने चुपचाप से हैं, केंद्र क्यों शांत लगता है? ये लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं, बल्कि पढ़ रहे हैं। पढ़ाई चीज ऐसी होती है जो ध्यान देकर पढ़ाया जाता है। बेशक ध्यान देकर पढ़ना चाहिए, मगर इतने खामोशी से भी नहीं, केंद्र में थोड़ा रौनक होना चाहिए, तभी तो मछुआरे पढ़ाई में जमे रहेंगे। तुम ऐसे क्यों नहीं करते? कोई जाथा टीम को केंद्र में बुलाओ, नाच गान भी करो। इसमें दो फायदा होगा। पहला फायदा, उन लोगों का मनोरंजन होगा, और इसके साथ साथ भी पढ़ने लिखने का फायदा उनका समझ में आ जाएगा। क्यों? ठीक है। श्रीदेव की बातें सुनने के बाद रामू को लगा कि वाकई में केंद्र बुझा बुझा सा नहीं होना चाहिए, थोड़ी चहल पहल, हंसी मजाक और मनोरंजन जैसी चीजें जरूर होनी चाहिए। सो उसने कला जत्थे की टीम को अपनी बस्ती में बुलवाया। कला जत्थे टीम के सदस्यों ने एक नाटक प्रस्तुत किया जो आधारित था नटवर शाह के चरित्र पर। नाटक में ये दिखलाया गया कि नटवर शाह पढ़ा लिखा न होने की वजह से अपने घर की चिट्ठी तक नहीं पढ़ पाता है, स्टेशन पर लिखा बोर्ड तक पहचान नहीं पाता है, पर बाद में जिंदगी में अनेकों अवसरों पर जब उसे कई नुकसान उठाने पड़े, तब उसने प्रण किया कि पहले वह पढ़ाई करेगा और उसी के बाद कोई दूसरा काम करेगा। लोगों ने नाटक को बड़े चाव से देखा, महसूस किया कि पढ़ना लिखना जीवन में कितना जरूरी है। और अब देखिए, ये रामू का ही केंद्र है, पढ़ाई के साथ हंसने हंसाने का भी दौर चल रहा है। अब ये मछुआरे पढ़ाई से ऊब नहीं जाते, बल्कि उसका लुत्फ उठाते हैं। हालांकि स्वयं सेवकों की इन कोशिशों ने मछुआरों की जिंदगी में साक्षरता के कुछ रंग तो भरे हैं, पर अभी भी जरूरत है नए तरीकों और विचारों के साथ स्वयं सेवकों के आगे आने की, इन भोले भाले लोगों को पढ़ाने की, ताकि अथाह समंदर में इनके जीवन का सफर निरक्षरता के अंधकार की बजाय साक्षरता के उजाले में हो। महामेघवाहन महामेघवाहन उपाधि उपाधि धारण करिथिले धारण करिथिले।